बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मिश्कात में 1956 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरे तरीक में आया है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तीसरे तरीक में आया है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारे अल्फाज बुखारी और मुस्लिम में है। और फिर साथ ही अल्फाज है कि जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये आया कि शयातीन जो है वो कैद कर, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं ये कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी चंद लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, चंद नहीं, अक्सर लोग नहीं पढ़ रहे होते फिर भी। तो मेरे भाई, 11 महीने तक जब शैतान ने पैडल मारा है आपकी साइकिल को, उसके बाद एक महीने ना भी मारे वो, फिर भी थोड़ी दूर तक तो ये मामला चलेंगे ना। फिर सबसे बड़ी चीज नफ्स है इंसान का, वो साथ लगा हुआ है। ये सर्कस शयातीन, बड़े बड़े शयातीन जो है वो कर दिए जाते हैं। बाकी जो इंसान के साथ शयातीन छोटे मोटे लगे वो तो चलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आ जाती है। बाकी जड़े थे पैड़े हो, काबे भी पैड़े। अगर किसी ने अपनी इस्लाह खुद नहीं करनी है तो उसकी रमजान में कोई इस्लाह नहीं होनी।